तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं आयरन मैन के पास्ट में, और वो भी एक छोटे से बच्चे बनके, और मदद करेंगे उसकी उसके दुश्मनों से लड़ने में, और वो भी उसी से ट्रेनिंग लेके। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार आज तो आईने में देख के रहूंगा, ऐसा क्या मेरी शक्ल में जिससे लोग इतनी बेइज्जती करते हैं। ओ भाई साहब ये क्या देख लिया, गलती कर दी, कतई जहर। लोगों की कोई गलती नहीं है भाई, तभी मैं सोचू कि मुझसे कोई लड़की पटती क्यों नहीं। अब भगवान ने जो दिया वो तो चलाना ही पड़ेगा। शक्ल कैसी भी हो दिल बहुत बड़ा है अपना। ये किसका फोन आ रहा है? ये तो टोनी का फोन है। हेलो फ्रैंकलिन। हाँ बोल भाई। हमें टाइम मशीन ठीक कराने के लिए एक मैकेनिक की जरूरत है। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ से लेके आओ उसे। अच्छा ठीक है अभी लेके आता हूँ। तो अब जल्दी से जाते हैं। सबसे पहले तो चॉपर शिनचैन को ले लो। वो रहे वो लोग। पर ये लोग कर क्या रहे? अरे आ जाओ फ्रैंकलिन भैया, अभी एक दो फोटो खिंचवा लो। मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवाना भाई। पर ये तू किस चीज के फोटो ले रहा है? अरे लॉस सैंटोस में एक आर्ट गैलरी खुलने वाली है, उसी के लिए ले रहा हूँ। तो उसके लिए चॉप का हकते हुए फोटो लेगा? अरे नहीं नहीं सिर्फ चॉप की टट्टी का। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे अभी आपको आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, लोग टट्टी जैसी दिखने वाली चीजों को ही आर्ट बोलते हैं। वैसे बात तो तेरी ठीक है। हाँ शिनचैन एकदम ठीक बोल रहा है। अब ये सब टाइम पास छोड़ो, हमें निकलना है। अरे कहाँ पर जाना है? टोनी का फोन आया था, उसे एक मैकेनिक की जरूरत है। पर क्यों? अरे वो टाइम मशीन नहीं बिगड़ गई थी? हाँ हाँ बराबर बराबर। हाँ तो अब जल्दी से चलो मेरे पीछे। अच्छा ठीक है आते हैं। हाँ जल्दी से चलो, वो टाइम मशीन ठीक होगी तो हमें बहुत सारी कहानियां सुनने मिलेगी। इसीलिए तो भाई जल्दी से आ जाओ। तो अब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। अरे साइड में सर को मुझे भी बैठने दो। आ जाना भाई। तो अब निकलते फटाफट। और ऊपर हमें मैकेनिक कहाँ पर मिलेगा? उसकी चिंता तू मत कर, टोनी ने मुझे लोकेशन भेज दी है। अच्छा इसी बात है क्या? फिर तो ठीक है। अरे पर हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। क्यों भाई? अरे चॉप के टट्टी की इतनी मस्त मस्त फोटो खींची है, आर्ट कंपटीशन में तो भेजनी पड़ेगी ना। तेरा दिमाग सच्ची में खराब है, तू वो फोटो भेजेगा? अरे आपको क्या मजाक लग रहा था? ठीक है भेज दे भाई, मेरा क्या है, पर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। अरे ये तो एकदम गलत बात है, जब तक लोग आपकी शक्ल नहीं देखेंगे लोगों को ये फोटो अच्छी कैसे लगेगी? मतलब क्या तेरा? अरे ये सब छोड़ो और ये बताओ कब पहुंचोगे? बस चॉप पहुंचने वाले लोकेशन आसपास की है। अरे जल्दी करो। कर तो रहा हूं, लोकेशन तो यहीं पे खत्म हो गई। अरे कहीं वो तो नहीं? लग तो ऐसे रहा है, काम करता हूँ गाड़ी को यहीं पे रोकता हूँ। हाँ जल्दी से जाओ। अच्छा ठीक है जाता हूँ। ये तो गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है। ओ भाई साहब सुन रहे हो, इसको मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं? मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान आया है। और इस गाड़ी के नीचे तो सांप जा रहा है। अरे कहाँ पर है सांप? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे ऐसा भी कोई मजाक करता है, अभी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। तो क्या करूँ, आप सुन ही नहीं रहे थे। अच्छा ठीक है बोलो क्या हो गया। अरे मुझे आयरन मैन ने आपकी लोकेशन दी थी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर पहले थोड़ा सा काम निपटा लो। अरे नहीं यार इतना टाइम नहीं है, ये सब आके कर लेना ना। ठीक है बताओ कहाँ पर जाना है? अरे अवेंजर मेंशन पर जाना है, टाइम मशीन ठीक करने। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ अभी आ जाओ जल्दी से गाड़ी में, चलते यहाँ से। अच्छा ठीक है आता हो। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। अरे हाँ जल्दी से चलो। और शिनचैन ऊपर आके कैसा लग रहा है? अरे कब से बोर हो रहा था, ऊपर आया तो मजा आ रहा है। तुम दोनों को पता नहीं ऊपर खड़े रहने की क्या आदत है। अरे बहुत मजा आता है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से गाड़ी को यहाँ पे रोकता हूँ। अरे जल्दी से उतरो। तो अब चलते हैं फटाफट अंदर। आ जाओ तुम सब लोग। और फ्रैंकलिन तुम आ गए, अब बुलाएगा तो आऊंगा ही ना। अरे मैं तो पहली बार अवेंजर मेंशन पर आया हूं, ये तो बहुत ही मस्त जगह है। हाँ वो तो है ही है। अच्छा तुम इस टाइम मशीन की बात कर रहे थे? हाँ यही टाइम मशीन है, अब जल्दी से इसे ठीक कर दो। अच्छा ठीक है अभी करता हूँ जाके, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे इसकी हालत तो बहुत ही खराब है, मैं तो अपने औजार लाने भी भूल गया, अब मैं क्या करूंगा। एक काम करता हूँ इनसे जाके पूछ लेता हूँ, इनके पास तो होगा ही। क्या हो गया? अरे मेरे पास तो औजार ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास जरूरत का सारा सामान पड़ा है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। फ्रैंकलिन तुम भी साथ में आ जाओ, सामान निकालने में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अरे ये सब लोग तो एक साथ चले गए हमें अकेला छोड़ के। और शिनचैन वो बस औजार लेने गए हैं। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर हम लोग बोर हो जाएंगे। और क्यों ना बाकी सब लोग से बात कर ले। अरे बात चुप क्या बात बोली है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। थोर भैया और विजन भैया के पास जाता हूँ। और शिनचैन कैसे हो? अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप ये क्या कर रहे हो? हम मशीन की जाँच कर रहे हैं। अरे स्पाइडरमैन भैया आप क्या कर रहे हो? मशीन के सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो गई है, मैं उसे ही देख रहा था। अच्छा ठीक है। अरे हल्क तुम क्या कर रहे हो? हल्क को गुस्सा आ रहा, हल्क ये मशीन तोड़ देगा। अरे नहीं हल्क ऐसा मत करना, नहीं तो आयरन मैन तुम्हें तोड़ देगा। अच्छा ठीक है। अरे ये सब लोग तो बिजी है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, अकेला क्या करूंगा। एक काम करता हूँ टाइम मशीन को जाके देखता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ अंदर। अरे ये मशीन तो झटके मार रही है, मुझे लगता है ये लोग इसको बंद करना भूल गए। एक काम करता हूँ मैं ही बंद कर देता हूँ, ये दबाया मैंने बटन। अरे अरे ये मैं कहाँ पर पहुँच गया, मैं इतनी हवा में कैसे आ गया? और ये क्या, मैं तो वापस एक छोटा सा बच्चा बन गया, मुझे लगता है मैं बहुत जोर से गिरने वाला हूँ, कोई बचाओ। ये मैं गया आउच। अरे बहुत जोर से लगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये सब हो क्या रहा है, कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा। अरे पर अभी तक तो मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं, बहुत जोर से सुसु आई है। अरे वो सामने किसकी तो गाड़ी खड़ी है, एक काम करता हूँ उसके टायर पे जाके कर लेता हूँ जैसे चॉप करता है, जल्दी जल्दी जाता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा ना मुझे। बरसाती की मौसम में सुसु आई है सुसु आई है, सुसु करने का तो मजा ही आ रहा है, अब जाके शरीर थोड़ा हल्का हुआ। ये बच्चे ये तो क्या कर रहा था? अरे वही जो सब लोग करते हैं सुसु। वह तो मुझे भी पता है, पर तू हमारी गाड़ी पे क्यों कर रहा था, पागल पागल हो गया है क्या? अरे आपकी गाड़ी है, मुझे लगा ये आसपास कोई नहीं देख रहा। आप तो
बचेगा नहीं हमारे हाथ से, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तूने बहुत गलत काम कर दिया। अरे वो तो आप लोग सही टाइम पे आ गए, नहीं तो मैं तो यहाँ पर पोटी करने वाला था। अब तो गया मेरे हाथ से, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अरे हटो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागता हूँ। अरे रुक जा, भागता कहाँ पर है, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, उल्टा लटका के मारेंगे। अरे ये लोग तो पीछे ही पड़ गए, जल्दी जल्दी भागता हूँ। एक काम करता हूँ, इसी घर में घुस जाता हूँ, पता नहीं किसका घर होगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, जल्दी से अंदर घुसता हूँ। चलो मैं पहुँच गया, ये तो एकदम खटारा घर लग रहा है, पर कितना ज्यादा बड़ा है, अब वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। इसको क्या लगता है, ये अंदर घुस जाएगा तो बच जाएगा, इसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों भी किसी काम के नहीं हो, एक बच्चे को नहीं पकड़ पाए, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक काम करता हूँ, इस घर में आग लगा देता हूँ, फिर दौड़ता हुआ बाहर आएगा, तब मैं उसे पकड़ लूंगा। ये फेंकी मैंने पहली बोतल, और ये दूसरी, इस साइड भी फेंकता हूँ थोड़ी बहुत, चारों बाजू आग लगा दूंगा मैं। वो बच्चा तो आज बचेगा नहीं मेरे हाथ से। थोड़ी बोतल और फेंक लेता हूँ, क्या खतरनाक आग लगी है, अब मैं भी देखता हूँ वो बच्चा कैसे बचता है। अरे ये क्या कर दिया उन लोगों ने, उन्होंने तो पूरे घर में आग लगा दी, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगा। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पर, मुझे तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से जाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चारों बाजू आग ही आग है। एक काम करता हूँ, खिड़की से कूदने की कोशिश करता हूँ। अरे मैं तो खिड़की तक पहुँच ही नहीं पा रहा, क्या करूँ क्या करूँ, मेरी तो हाइट बहुत छोटी है। अरे आग तो यहाँ तक आ गई, मुझे यहाँ से भी निकलना पड़ेगा इससे पहले कि ज्यादा आग लगे। मुझे लगता है आज मैं यहीं पे जल के मर जाऊंगा। अरे ये क्या, टोनी भैया मुझे बचाने आ गए। टोनी भैया मैं यहाँ पर हूँ। बच्चे फिकर मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो लगा था आज मैं नहीं बचूंगा। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हमें अभी निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ। गाइस यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, टोनी भैया को देख के तो ऐसा लग रहा है ये मुझे जानते ही नहीं है। सबसे पहले तो उनके पास जाता हूँ। अरे अरे ये क्या हो गया, आपको लगी तो नहीं? नहीं बच्चा मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी से मेरे पीठ पे चढ़ जाओ। अच्छा ठीक है अभी चढ़ता हूँ। ये मैं चढ़ गया। कस के पकड़ना, हम यहाँ से निकलने वाले है, ये लो हम बाहर आ गए। अरे यही वो लोग है जिन्होंने घर पे आग लगाई थी, वो तो मुझे दिख ही रहा है, इसके हाथ में बोतल जो है। अब ये कौन आ गया तेरे को बचाने, इसको भी खत्म कर देंगे हम लोग। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है, ये लो। और बच्चा मेरे कान में गुदगुदी मत करो। अच्छा ठीक है नहीं करता। अब ये लो, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम जैसे मवाले और टपोरियों ने देश का नाम खराब कर दिया है। और बच्चा ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा गुदगुदी मत करो। अरे मुझे बहुत मजा आता है, मारो मारो इनको और मारो। और बच्चा मैंने तुम्हें मना किया ना। अच्छा ठीक है अभी नहीं करूंगा, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा। अरे वाह तुमने तो सबको मजा चका दिया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अरे टोनी भैया मैं इतना छोटा कैसे हो गया, मुझे क्या पता तुम इतना छोटा कैसे हो गए, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। अरे ये क्या बोल रहे हो आप कब से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। बच्चों मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा तो मैं तुम्हें कैसे जानूंगा। अरे गाइस मुझे ऐसा लगता है मैं किसी और डायमेंशन में आ गया हूँ, जहाँ पर ये लोग मुझे जानते ही नहीं है। बच्चे कस के पकड़ो, पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं तो बोलता हूँ तुम यहीं पे उतर जाओ। अरे नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा, मुझे ऊपर बहुत मजा आ रहा है। अरे कितना शरारती बच्चा है, ठीक है फिर कस के पकड़ के रखना, अगर गिरे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा ठीक है मैं खाली पुलिस को बता दूंगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अब जल्दी से इनको निपटाओ। इन पुलिस वालों को जरूर उस माफिया ने भेजा होगा, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो गया मेरे हाथ से, ये ले। अरे वह क्या मारा है, हेलीकॉप्टर तो सीधा नीचे गया, तुम बस देखते जाओ मैं आगे आगे क्या करता हूँ। ये ले इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस हेलीकॉप्टर के लिए तो मेरा हाथ ही काफी है, ये खा। और ये ले मिसाइल, अरे वह क्या ब्लास्ट हुआ है, मजा ही आ गया, अब इसको संभालता हूँ। ये ले क्या उड़ के गया है, अरे ये क्या कर दिया। अरे ये बच्चा तो नीचे ही गिर गया, बच्चा तुम यहीं पे रुको मैं संभालता हूँ। अच्छा ठीक है, दूर हो जाओ इस बच्चा से, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, अब ये लो मेरी मिसाइल खाओ। अरे जल्दी जल्दी करो, ये लोग मुझे गोली ना मार दे। बच्चा तुम टेंशन मत लो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इतनी सारी पुलिस आ गई है और आप बोल रहे हो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर इन्होंने मुझे कुछ कर दिया ना तो मेरी भटकती हुई आत्मा आपको परेशान करेगी। और एक कैसी बात कर रहे हो तुम, अरे मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ, ये तो मेरे बाजू में ही आ गए। अरे वाह क्या बात है, इसने तो मुझे बचा लिया। बच्चा थोड़े दूर खड़े रहो, तुम्हें लग जाएगी। अरे थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए था ना, मारने के बाद बोलते हो। अरे अरे फिर से, तुम मुझे बचाने आए हो कि मारने आए हो, एक नंबर का पागल। बच्चा थोड़े दूर ही खड़े रहना नहीं तो तुम्हें फिर से लग जाएगी। अरे मुझे ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा है और डर भी लग रहा है, पर शिनचैन वही करता है जिसमें उसे मजा आता है। अच्छा ठीक है, वैसे भी सब लोग निपट चुके हैं। चलो आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले और पुलिस आए। हाँ बच्चा तुम एकदम सही बोल रहे हो, वैसे मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं 5 साल का हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद। और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं और किसी को बता भी नहीं सकता ना। अच्छा ऐसी बात है, तो आज से ये समझ लेना कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब तुम मेरे पापा हुए। नहीं मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम बस मेरे साथ रह सकते हो। अरे वही हुआ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो। अरे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, और ये क्या हो गया, ये पीछे से किसने वार कर दिया। अरे टोनी भैया तुम ठीक तो हो ना, शिनचैन संभाल के, हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, ये गए ये गए। अरे बाप रे क्या लगी है टोनी भैया को, मैं तो बच गया। चलो अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं लगी, ये तो अल्ट्रॉन है, ये ले। ये यहाँ पर कैसे आ गया। अरे इसे तो हम लोग पहले भी मार चुके हैं। पहले कभी, अरे नहीं वो दूसरे डायमेंशन की बात है, मुझे लगता है मैं टाइम में थोड़ा पीछे आ गया हूँ। कोई बात नहीं, ये खाओ और ये भी खाओ, अब ये लो लेजर, आज तो तुम बचोगे नहीं अल्ट्रॉन। तुम्हें किसने कहा मैं नहीं बचूंगा, तुम नहीं बचोगे आज, भागते खाओ ये लो। अरे यार ये क्या हो गया, पुलिस भी यहाँ पर आ गई, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये खाओ और ये भी खाओ, जाओ यहाँ से, तुम तो आज बचोगे नहीं, तुम सारे
एवेंजर को मैं मार दूंगा। जाता कहाँ पर है, रुक और ये खा। अरे ये तो मारता ही जा रहा है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तुम सब लोगों से ज्यादा खतरनाक हूँ। ऐसी बात है तो ये ले। इतनी भी ट्राई कर लो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं कभी मर नहीं सकता। तुम ही लोगों ने मुझे बनाया है तो तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होगा। और यार क्या उठा के फेंका है इसने तो। रुक जाओ अल्ट्रॉन, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं रुकने वाला, तुम्हें मारे बिना तो नहीं। ये खाओ, तुम मेरे सामने काफी कमजोर हो बेवकूफ आदमी। तुम सुपर हीरो कहलाने के लायक नहीं हो, तुम धब्बा हो धब्बा। अरे यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कहीं ये उस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे लगता है ये मुझे आज ही खत्म कर देगा। तुमने एकदम सही समझा। ये लो, क्या हुआ, हालत खराब हो गई। अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है। कोई आखिरी इच्छा है तो मांग लो मुझसे, और वो भी मैं पूरी नहीं करूंगा। तो फिर पूछा क्यों? बस ऐसे ही। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, बाकी एवेंजर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ये क्या हो गया टोनी भैया को, ये अल्ट्रॉन तो उन्हें मार देगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे ये क्या, एक काम करता हूं, ये गाड़ी जाकर उस पे चढ़ा देता हूं। जल्दी जल्दी जाता हूं गाड़ी में, अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं, बचेगा नहीं ये मेरे हाथ से। जल्दी से जाता हूं। ये लो, अरे वाकई टक्कर मारी है। अब जल्दी से वापस जाता हूं। मुझे लगता है वो बेहोश हो गया होगा। टोनी भैया की हालत तो बहुत ही खराब है। एक काम करता हूं, गाड़ी यहीं पे रोकता हूं और जाता हूं उनके पास। अरे टोनी भैया आप ठीक तो हो ना? नहीं शिनचान, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मेरा सूट पूरी तरीके से खराब हो गया है, इसे ऑटो रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें मुझे एवेंजर मेंशन पर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। आपने मेरी जो की थी, और वैसे भी शिनचान सबकी मदद करता है। अब जल्दी करो। अच्छा ठीक है, जल्दी से जाके गाड़ी में बैठता हूँ। ध्यान से सोना टोनी भैया, गाड़ी में बहुत झटके लगेंगे। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चलता हूँ। अरे आराम से चलाओ, मुझे बहुत लग रही है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी बात कोई मानता ही कहा है। चलो कोई बात नहीं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। और शिनचान संभाल के चलाना। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। अरे क्या हो गया, जरा पीछे मुड़ के देखो, तुमने मुझे तो यहीं पे गिरा दिया। अरे सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, पर गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलाना सीखो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हो, एक दो साल के बच्चे को बोलते हो कि गाड़ी चलाओ। अच्छा ऐसी बात है तो साइड हो जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चलो। हाँ अपना सीट बेल्ट बांध लो। अरे बांध लो नहीं, लगा लो। हाँ वही वही। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, बाकी लोग भी मुझे जानते हैं कि सब लोग भूल चुके हैं? बच्चा तुम्हें कोई नहीं जानता। अरे बच्चा नहीं, मेरा नाम शिनचान है, कितनी बार बताओ, अब क्या लिख के दूं क्या? हाँ हाँ शिनचान वही बोल रहा था मैं। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से उतरो और आ जाओ मेरे पीछे, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो आखिरकार मैं घर पे पहुंच ही गया, ये सब लोग तो बिजी लग रहे हैं। अरे ये सब लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे? अरे दरअसल बात ऐसी है कि फ्यूचर में आप एक टाइम मशीन बनाते हो और वो खराब हो जाती है। जब मैंने जाके उस टाइम मशीन का बटन दबाया तो मैं अचानक से यहाँ पर पहुंच गया। अच्छा ऐसी बात है। हाँ ऐसी बात है, अब मैं बाकी लोगों से जाके बात करता हूँ। अरे हल्क कैसे हो? हल्क ठीक है, तुम कौन हो बच्चे? अरे बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे फ्यूचर का दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, अरे स्पाइडरमैन भैया क्या कर रहे हैं? ये तो नागिन डांस कर रहे हैं। ये हाथ में हमारा बीड़ी चैन है, जेब में रजनीगंधा, बापो मारे जो वीजा से तो पड़ी जा से डंडा। अरे वाह क्या गाना गा रहा है, ये सुन के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मन कर रहा है मैं भी नाचूं, पर छोड़ो जाने दो, कभी और नाच लूंगा। नचो नचो स्पाइडरमैन, तुम तो नाचते रहो, मैं जाके थोर भैया से बात कर लेता हूँ। अरे थोर भैया और कितनी बॉडी बनाओगे? अरे बच्चे मुझे बॉडी बनाना पसंद है, ऐसा करके मैं अपने शरीर को फिट रखता हूँ, तुम्हें भी करनी चाहिए। अरे करूंगा ना जरूर, पर कम से कम 10 साल बाद, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। हाँ बच्चे तुम सही कह रहे हो, जाओ खेलो कूदो। अरे वो तो मेरे नसीब में ही नहीं है। तुम सबसे मिल लिया बच्चे? अरे हाँ मैं सबसे मिल लिया, अभी मुझे तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अरे किस चीज की ट्रेनिंग? वो माफिया और अल्ट्रॉन तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें खुद को बचाना सीखना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है आता हूँ। अरे ये तुमने मुझे कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, मैं गलती से नीचे गिर गया तो? तुम्हें मुझ पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से जंप लगानी है, मेरी टेक्नोलॉजी तुम्हें बचा लेगी। अरे पागल हो गए हो क्या, जरा ऊंचाई तो देखो। मैंने कहा उतना करो, तुमने मुझे पापा कहा था ना, तो मेरी बात मानो। अरे ये मैं कहाँ पर फंस गया। अच्छा ठीक है ट्राई करता हूँ, ये लगाई मैंने जंप। अरे बाप रे मैं तो सीधा नीचे जा रहा हूँ, पता नहीं मैं बचूंगा भी या नहीं। नीचे मुझे पानी दिखाई दे रहा है, काश मैं सीधा उसमें गिर जाऊँ। अरे ये क्या हो गया अचानक? अरे वाकई बात है, मैं तो उड़ने लग गया। अरे बल्ले बल्ले दे शावा शावा, मजा ही आ गया। आयरन मैन की नैनो टेक्नोलॉजी मेरे काम आई, मैं तो आयरन मैन बन गया। छोटू सा आयरन मैन, कितना क्यूट हूँ ना, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो, अब जाता हूँ आयरन मैन के पास। देखा बच्चे आखिरकार तुमने सीख ही लिया ना, लोग जो डर के मारे सीख जाते हैं वो ऐसे नहीं सीख पाते, तुम्हारे लिए तो तालियां बजाता हूँ। तो फिर एक काम करो ना, सिर पे बाल लगा के रोड पे नाच भी लो। तुम एक नंबर के पागल बच्चे हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पर अभी तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, अब होगा स्टेप टू। अरे क्या मतलब है? तुम्हें शहर के गुंडों को ढूंढ के उन्हें मारना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है फिर जाता हूँ मैं, मुझे तो गुंडों को ढूंढना है ना। अरे वो रहे गुंडे, आज तो इसकी मस्त धुलाई करूंगा। ये मैं आ गया, ये लो लेजर खाओ और तुम भी खाओ, खाते ही जाओ। तुम लोग बहुत भूखे होंगे ना, ये लो थोड़ी मार खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अरे मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, मैं तो तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। ये लो, कितने घाई है ना तुम्हें मार खाने की। अरे फिर से उठ गए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं होता तो कभी नहीं उठता। गाइस यार कमेंट करके बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, छोटू सा आयरन मैन, प्यारा प्यारा सा, मुझे लगता है मैंने सबको निपटा दिया। अरे ये क्या, यहाँ पर तो और भी लोग है, आज तो और मजा आएगा। चलो जल्दी से जाके इनको मजा चखाते है। ये खाओ, ये गया सिक्सर, अब इनको भी मारता हूँ। ये लो और ये खाओ, तुम्हारी बस की नहीं है मुझे हराना, बस की तो छोड़ो, तुम्हारी तो कोई टैक्सी वैक्सी की भी नहीं है,
से मार रहा है। ये ले, एक बच्चे से हार गए शर्म भी नहीं आती। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ये खाओ, एक काम करो अब ये भी खाओ। इतने पास में खड़े रखे गन कौन चलाता है, फिर तो हाथ से ही मार लेते। चलो अब यहाँ से जाता हूँ, मुझे लगता है सब लोग निपट गए। कितना सुहाना दिन है और मुझे ये सब काम करने पड़ रहे हैं। एक काम करता हूँ, टोनी भैया को फोन करता हूँ। अरे ये क्या, ये तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, कहीं मुझसे डर तो नहीं गए ना, मुझे लगता है कहीं पर बिजी होंगे। अरे ये क्या मैसेज है, मैं खतरे में हूँ, मुझे आके बचा लो, और लोकेशन भी आई है। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे जाके उनको बचाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अभी निकलता हूँ जल्दी से, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने टोनी भैया के साथ ऐसा किया, मतलब कि मेरे पापा के साथ। डुप्लीकेट वाले कहाँ पर होंगे, लोकेशन तो यही कही की आ रही थी। अरे वहाँ पर कोई दिखाई तो दे रहा है। अरे ये क्या हो गया, अल्ट्रॉन ने तो टोनी भैया को पकड़ लिया और वो भी पहाड़ पे उल्टा लटका दिया। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। आज तो आयरन मैन तू बचेगा नहीं, तुझे तो मैं यहाँ से फेंक दूंगा और फिर तू सीधा नीचे गिरते गिरते मर जाएगा, समझा के नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी मदद करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। अरे क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम करता हूँ, निशाना लगाता हूँ और पूरे दम के साथ, भगवान प्लीज बचा लेना टोनी भैया को। ये लो, अरे वाके उड़ के गया है। अरे टोनी भैया कहाँ पर गए, पता चला वही टपक गए। जल्दी से जाके देखता हूँ, ये रहा अल्ट्रॉन। चलो इसका काम तो पूरा हुआ, ये तो खुद ही नीचे गिर के मर गया। टोनी भैया कहाँ पर है, मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अरे वो रहे टोनी भैया, जल्दी से जाता उनके पास। अरे टोनी भैया उठो, टोनी भैया आप ठीक तो हो ना, टोनी भैया जल्दी से उठो, टोनी भैया उठ जाओ, उठ जा शिनचैन, उठ जा शिनचैन। अरे मेरी आवाज कैसे चेंज हो गई, शिनचैन उठ जा जल्दी, शिनचैन उठ भी जा अभी। अरे ये सब क्या सुनाई दे रहा है मुझे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो फ्रैंकलिन भैया की आवाज लग रही है। अरे शिनचैन उठेगा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो फ्रैंकलिन भैया ही लग रहे हैं। तू ठीक तो है ना, अरे हल्क तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो टोनी भैया के पास होना चाहिए था। अरे शिनचैन तुम टोनी के पास ही हो। हाँ शिनचैन तुम ठीक तो हो ना। अरे ये सब क्या हो गया मेरे साथ, तू इतने देर से यहाँ पर सो रहा था। अरे नहीं मैं सो नहीं रहा था, मुझे लगता है मेरी आत्मा पीछे चली गई थी दूसरे डायमेंशन में। तेरा मतलब क्या है। अरे मैंने उस खराब मशीन को हाथ लगाया था, उसके बाद मैं अचानक से दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया। क्या बात कर रहा है फ्रैंकलिन, मुझे लगता है शिनचैन सही बोल रहा है। अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब इस मशीन से कुछ भी हो सकता है ना। हाँ मुझे इस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये मशीन क्या क्या कर सकती है। अच्छा ठीक है, तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस उसी के साथ जाके चेक करो हमारे दूसरे चैनल को, उस पे भी नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। हाँ जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।